Hello everyone, welcome to Abhipedia. My name is Abhishek and we are starting a next video lecture of Abhishek's Take. Kal jaise maine ki promise kiya tha ki मोदी जी के द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज अनाउंस किया गया है उसकी डिटेल्स हम आपको आगे की आने वाली सीरीज के साथ साथ बताते रहेंगे। तो आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो इसकी डिटेल्स दी हैं उनकी हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए। हमारी जो डिस्कशन होने वाली है इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम अ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज कंसर्न फॉर अस इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। इट इज नॉट अ पोलिटिकल डिस्कशन, ओके। सो आपको इसको उस तरह से लेना है। इस डिस्कशन के लिए जितने भी जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स यूज्ड हैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप सीधा वहीं से डाउनलोड करके इसको अपने नोट्स में यूज कर सकते हैं। सो नो नीड टू राइट देम डाउन डायरेक्टली, ओके। सो यू कैन यूटिलाइज इट फ्रॉम राइट देयर। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो लेक्चर। सो बेसिकली इट इज बीइंग टर्म्ड एज आत्मनिर्भर भारत अभियान, and a part and parcel of this Bharat Abhiyan is the economic package that has been given, and it will be in a continued basis aage 2 se 3 aane wale dino ke andar iski announcement abhi chalti rahegi। to day 1 ki jo announcements hain wo hum is video ke andar cover kar rahe hain, dhyan rakhiyega these announcements were made today, so we are making this video today itself। to basically kal ki jo highlights hain uske andar थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि देयर इज अ फाइव पिलर अप्रोच दैट विल बी टेकिंग अप, तो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी एंड डिमांड। तो ये पांच पिलर्स के ऊपर जो है हमने इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट करना है, एक आत्मनिर्भर भारत का विकास करने की जो योजना है उसको सेट करना है, ठीक। इसके लिए जो फोकस है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रीडिफाइन या रिकास्ट किया गया है, दैट इज लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। तो चार बेसिक एरियाज में रिकास्ट किया गया है। कुछ कमियां भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल अभी देखना बाकी होगा और इसको जज अगर करना हो पैकेज को तो कंप्लीट पैकेज आने के बाद ही जज करना चाहिए। देन ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, बिकमिंग वोकल फॉर लोकल एंड लिसनिंग सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अब जब निर्मला सीतारमण ने अपना बयान शुरू किया आज के लिए तो उन्होंने जो बहुत सारे जो रिफॉर्म्स अभी तक हमने उठाए हैं 2014 से लेके आज तक के जो रिफॉर्म्स थे वो सारे के सारे गिनाने शुरू किए। इट वाज सॉर्ट ऑफ अ बोरिंग थिंग फॉर अस, बट क्योंकि हम तो ऑलरेडी ये सब पढ़ते रहते हैं और मोर ओवर वी वर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, नॉट व्हाट हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड। बट सिंस इट वाज अ पॉलिटिकल काइंड ऑफ अ मैसेज ऑल्सो, सो बिकॉज ऑफ दैट पॉलिटिक्स प्लेइंग अ पार्ट दिस वॉज ऑल यू नो जस्ट हाईलाइटेड। बट These highlighted इनका जो area of reference है कुल मिला के इन्होंने सारी ही चीजें गिना दी जो इन्होंने government में आज तक जो reform के level पे चीजें introduce की थी, तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया। तो हम इसको politics plus reform के नजरिए से अगर देखें तो हमारे पास governance reforms आ जाते हैं जो मोदी government ने 2014 से लेके अब तक लेके आए। तो जो सारे जो governance के level पे reforms अभी तक आए हैं उनको इन्होंने एक जगह पे इकट्ठा करके बताया है, तो हमारे लिए एक गुड डॉक्यूमेंट हो जाता है। दैट इन सब का ध्यान रखो, जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस द रीसेंट रिफॉर्म्स बीइंग टेकन अप इन इंप्रूवमेंट ऑफ गवर्नेंस, सो इनको आप अलग अलग एरियाज में कैटेगराइज कर सकते हैं एट द सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, पोलिटिकल लेवल, या सो यू कैन यूज देम अकॉर्डिंगली। एनी हाउ आज के पैकेज के ऊपर चलते हैं कि बेसिकली इन्होंने कहा क्या। अ प्राइम मिनिस्टर्स विजन जो है एक बार इस पे नजर मारिए। So it there was a call for आत्मनिर्भर भारत अभियान, क्योंकि आज के पैकेज को भी इसी के आइडिएशन से ही हमने समझना है। Five pillars, special economic and comprehensive package equivalent to 10% of India's GDP and package to cater various sections including cottage industry, MSME, labour, middle class industry among others। आज का जो पैकेज है वो ज्यादातर MSME के ऊपर ही फोकस रहा, ये या फिर आप कह सकते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत कम ही फोकस रहा, लेकिन ज्यादा इसका जो फोकस पॉइंट था दैट वाज एमएसएमई, ठीक। लेबर के लिए अभी कुछ खास नहीं आया है, मिडिल क्लास के लिए कुछ खास नहीं आया है, इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा बहुत फोकस पॉइंट है। देन बोल्ड रिफॉर्म्स अक्रॉस द सेक्टर्स विल ड्राइव द कंट्रीज पुश टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। इनकी कोई खास बात नहीं की गई बोल्ड रिफॉर्म्स की, रादर सिर्फ केयर पैकेज के तौर पर ही ज्यादातर चीजें आज की वीडियो में आई है। देन It is time to become vocal for our local products and make them global. So that is basically, you know, a sort of social globalization and economic globalization, the way we discussed. And now the focus of globalization has to be towards
ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया है और आप इसको अपने पेपर के लिए कैरी कर सकते हैं, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन. ओके ओके फाइन, मूविंग ऑन. सो ओवरऑल जो आज की इंडक्शंस हैं बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज, तो उनके लिए ये पूरे के पूरे पैकेज अनाउंसमेंट्स थी. सो देयर आर अराउंड 16 डिफरेंट इंटरवेंशंस मेड, सो वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इन डिटेल. ओके, तो वो जो सारे का इंटरजेक्शन है, अगर आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर करना हो तो दिस इज द स्लाइड दैट यू कैन यूज. खैर, हम इस स्लाइड के ऊपर पूरा नहीं जाएंगे, हम आगे आने वाली स्लाइड्स में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ट्रांचे ऑफ अबाउट 15 टू 16 मेजर्स, सो 6 ऑफ देम वर फॉर एमएसएमईज, 2 फॉर एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड्स, 2 फॉर एनबीएफसीज, 2 फॉर एमएफआईज, 1 फॉर डिस्कॉम्स, 1 फॉर रियल एस्टेट, 3 टैक्स रिलेटेड एंड 1 फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स. तो ये अलग अलग इन्होंने जो रिफॉर्म ट्रांचेस हैं या जो हेल्प्स हैं इनको बताया गया है, तो इन सेक्टर्स के अंदर बताया गया है. अब ये बेसिकली आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला जो टॉपिक है उसमें आपको वर्कआउट करना है, ठीक है. देन प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ, उसमें आपको इसको हाईलाइट कर लेना है, गवर्नमेंट के जो चेंजेस हैं रीसेंट. एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है, इनको माइक्रो फाइनेंस और जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वाला जो टॉपिक है तो उधर आपको इसको हाईलाइट करना है, ठीक है. एंड देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने कहा ये इधर ही आ जाएगा. देन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो आपने एक उदय योजना पहले से पढ़ चुके हैं तो उसी के लेके ये भी एक हाईलाइट है. सो दिस इज उदय 2.0 काइंड ऑफ अ थिंग. ओके, तो यू कैन थिंक अबाउट इट लाइक दिस. रियल एस्टेट में रेरा के अंदर एक डेवलपमेंट है, दे हैव अलाउड लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन इन दैट. और टैक्स रिलेटेड के अंदर टीडीएस एंड रिफंड्स और इन सब चीजों के बारे में गवर्नमेंट ने डिस्कस किया है. कॉन्ट्रैक्टर्स को थोड़ी सी अपने टेंडर्स में रिलैक्सेशन दिया है, तो जो पीपीपी एग्रीमेंट्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, वहां पे ये टॉपिक्स हाईलाइट होते हैं. तो यूपीएससी के अंदर हमारे जो टॉपिकल हाईलाइट्स हैं जो यूपीएससी सिलेबस के अंदर आने चाहिए, वो कौन कौन से एरियाज इन्होंने टच किए हैं इस इकोनॉमिक COVID-19 पैकेज के अंदर, तो वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ईपीएफओ, माइक्रो फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेरा, टीडीएस एंड रिफंड, सो बेसिकली टैक्स सिस्टम और गवर्नमेंट्स फिस्कल सिस्टम. ओके, एंड देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ठीक है. अब इनको जरा एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. तो पहला जो मेजर गवर्नमेंट लेके आई है, दैट इज कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर एमएसएमईज. तो कोलैटरल फ्री तो समझ आता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से यू गो टू योर बैंक अकाउंट, यू डू ऑनलाइन बैंकिंग, तो वहां पे आपको जो इंस्टेंट लोन की प्रोविजनिंग है वो अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, जो अभी बैंकों ने काफी देर से बंद कर रखे थे. दो तरह से बैंक्स जो हैं वो लोन्स देते हैं, एक होते हैं प्री अप्रूव्ड कैटेगरी, या सो प्री अप्रूव्ड का मतलब होता है कि ठीक है, आपको ये अप्रूव्ड है, आप ये ले सकते हैं, लेकिन इसमें इंटरनल चेक्स जो है बैंक्स की तरफ से वो किए जाएंगे. एक होते हैं इंस्टेंट लोन कैटेगरी, वो आप आराम से सीधा 3 सेकंड के अंदर अंदर जो लोन है वो डिसबर्स हो जाता है, आप 1, 2, 3 जस्ट यू प्रेस क्लिक एंड द मनी इज इन योर अकाउंट. यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट और ये सारी चीजें जो है वो देनी पड़ती है. तो ये ऑटोमेटिक लोन की जो फैसिलिटी है वो इसमें आती है. अब ये कैसे मिलेगा और किनको मिलेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो 3 लाख करोड़ के आसपास का लोन्स जो हैं वो देने हैं, एंड फॉर दोज फर्म्स, नाउ दिस इज द रिस्ट्रिक्शन, फॉर दोज फर्म्स विद ₹25 करोड़ आउटस्टैंडिंग लोन्स, तो मतलब जिनके ऑलरेडी 25 करोड़ के आसपास जो लोन ले चुके हैं उनके लिए फैसिलिटी होगी, या फिर एनुअल टर्नओवर इज ऑफ ₹100 करोड़. तो आपकी अगर कंपनी की इतनी टर्नओवर है तभी आपको ये इंस्टेंट लोन फैसिलिटी, ऑटोमेटिक लोन फैसिलिटी मिलेगी. दिस विल बी फॉर अ 4-year tenure एंड मोरेटोरियम ऑफ 10 months टू बी ऑफर्ड. कहने का मतलब आपको जो EMIs हैं वो 10 महीने बाद शुरू होंगी. देन 100% credit guarantee टू banks एंड NBFCs ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, दोनों चीजों के ऊपर जो गारंटी है वो गवर्नमेंट लेगा. इन्हीं कंपनियों के लिए, सबके लिए नहीं है, सिर्फ इन कैटेगराइजेशन वाली एमएसएमईज के लिए है. दिस ऑफर इज वैलिड टिल 31st of October 2020, नो फ्रेश कोलैटरल रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा फी टू बी चार्ज. तो जो लोन प्रोसेसिंग फीस है या जो कोलैटरल्स आपको शो करने पड़ते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. दिस इज बेसिकली अ पुश टू द लिक्विडिटी. एसेंशियली हमारा जो यहाँ पे क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का, दैट इज द लिक्विडिटी शुड बिकम अवेलेबल. Because RBI had already announced several packages for MSME sector
बट द बैंक्स यू नो दे वर नॉट गिविंग द मनी टू द एमएसएमईज. यहां से जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं हो रही थी, ऑल्दो यहां से ऑलरेडी बहुत पुश आ रहा था पैसों के लिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज. सो स्ट्रेस्ड एमएसएमई का पहले तो मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी फंड क्रंच अपनी झेल रहे हैं या जो एनपीएस बनने वाले हैं उनके लिए. सो ₹20,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू सबॉर्डिनेट डेट बेस्ड स्कीम. सो दिस इज बीइंग स्टार्टेड. सो वेयर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ₹4,000 करोड़ टू क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. सो बेसिकली क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट क्या है, ये गारंटी देने के लिए यूज होता है फॉर द एमएसएमई सेक्टर टू दी बैंक्स. तो इट इज लाइक अ गारंटी फंड. ओके, तो इसमें गवर्नमेंट ₹4,000 करोड़ की गारंटी क्रिएट करेगी अगर कोई भी ये लोन पे डिफॉल्ट करते हैं तो गवर्नमेंट इज लायबल फॉर पेइंग. ओके, देन दे हैव कम अप विद अ फंड ऑफ फंड्स. सो इन्फ्यूजिंग ₹50,000 करोड़ इक्विटी इनटू एमएसएमईज फॉर दोज हु आर वायबल एंड एलिजिबल. तो इसके लिए इन्होंने जो मैकेनिज्म बताया है वो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स और इन्वेस्टेबल बॉन्ड्स. चाहे वो बहुत हाई क्वालिटी बॉन्ड्स ना भी हो लेकिन इन्वेस्टेबल बॉन्ड्स हो, और दीज विल बी लाइक अ डेट इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, नॉट पर्टिकुलरली इक्विटी बट इट्स लाइक अ डेट इंस्ट्रूमेंट. दिस वॉज द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. ओके, तो एक तरह से डिबेंचर्स आप उनको समझ सकते हैं, द राइट वर्ड विल बी दैट. ओके, देन कॉर्पस ऑफ ₹10,000 करोड़ थ्रू मदर फंड एंड डॉटर फंड फ्रेमवर्क एंड टू हेल्प एमएसएमईज एक्सपैंड कैपेसिटी एडवेंचुअली गेट लिस्टेड. तो बेसिकली हमारे यहाँ पे ना जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने कुछ चीजें पॉइंट आउट की थी, उनको मैं यहाँ पे आपको याद कराना चाहूंगा. तो उन्होंने कहा था कि इंडिया हैज लॉट ऑफ ड्वार्फ्स. ड्वार्फ्स वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो 10 साल से पुरानी हो, सो दे आर ग्रेटर देन 10 ईयर्स इन एज बट दे हैव लेस देन 100 वर्कर्स. इन फर्म्स को हम ड्वार्फ्स बोलते हैं. और ये क्यों ड्वार्फ रहना पसंद करती हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एमएसएमई होने के नाते ही मिलते हैं. कौन सी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उसको लेके यूट्यूब के विकिपीडिया चैनल के ऊपर मेरी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वीडियो है, वो आप देख के समझ सकते हैं. या बेनिफिट्स अवेलेबल ओनली टू एमएसएमईज इन इंडिया, तो वो आप अगर सर्च मारेंगे विकिपीडिया के अंदर तो आपको आराम से मिल जाएगा. ठीक है, तो वो आप बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं डिस्कशन वहां पे. तो ये जो ड्वार्फ्स है ना, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं क्रिएट करते, और इनका हालत ये होती है कि इनमें एक या दो लोग ही काम कर रहे हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर. जो हमारी पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस भी किया है कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है और ये कैसे काम करते हैं, एवरीथिंग लाइक दैट. ओके, तो एनी हाउ आगे देखते हैं. सो न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू दिस. इन फेब्रुवरी यू नो 2018 देयर वाज अ Cabinet Committee of Economic Affairs meeting, and they did a meeting and they discussed that this should be changed. The definition of MSMEs should be changed, but nothing official has been coming up in that direction till date. And finally, today they have decided that a new definition criteria will now be under operation. Okay, so what is that new definition criteria? Let's look into that. So existing jo criteria tha, उसमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड क्राइटेरिया हमारे पास होता था, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी तो उनके लिए अलग अलग डेफिनेशन हुआ करती थी, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया थे. अब जो क्राइटेरिया है, मैं आपको पहले एक बात यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं कि यूपीएससी में 2015 के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था, उन्होंने यही पूछा था ऑन व्हाट बेसिस आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिफाइंड इन इंडिया. तो द बेसिस फॉर दैट डेफिनेशन वॉज इन्वेस्टमेंट. ओके, अब जो वो बेसिस है, नाउ दैट बेसिस इज इन्वेस्टमेंट एंड टर्न ओवर. ध्यान रखिए द वर्ड इज नॉट और, द वर्ड इज एंड. ओके, चलिए. सो दूसरा जो चेंज हो गया है वो ये कि अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं है, अब सबको इकट्ठे एक ही ब्रैकेट में रखा गया है. तो वो एंटरप्राइजेस जहां पे इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़, दे विल बी माइक्रो. इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ विल बी नाउ स्मॉल. इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ विल बी मीडियम. तो जो पुरानी
2018 के अंदर जो बेसिक कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर चीजें आई थी उसमें फिगर्स कुछ और थी, मैं आपको ध्यान दिलवाऊंगा। ये जो फिगर्स हैं ये डिफरेंट हैं। सो दे आर द न्यू क्राइटेरिया विच इज नाउ बीन मेड ऑफिशियल इन मई 2020। ओके, सो दिस इज द वन दैट यू मस्ट रिमेम्बर फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। देन अब पोस्ट कोविड लाइफ जो है वो एमएसएमई की डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्कस किया कि हमारे पास अब वैसे कि फेयर्स नहीं होंगे, जो ट्रेड फेयर या क्राफ्ट मेलास पहले लगते थे, तो एमएसएमईज अपने प्रोडक्ट्स वहां पे एग्जिबिट करके उनको बेचा करते थे। तो बहुत सारी चीजें अब चेंज होंगी, जो फिजिकल डोमेन के अंदर ये अब पहले काम कर पाते थे वो नहीं हो पाएगा। तो इसको लेके अब थोड़ी सी चेंजेस आने की बात की गई है। सो दे हैव सेड दैट वी विल बी मेकिंग ई मार्केट लिंकेजेस एंड दे विल बी प्रोवाइडेड अक्रॉस द बोर्ड टू हेल्प मेकअप फॉर द लैक ऑफ ट्रेड फेयर्स एंड विद इन द नेक्स्ट 45 डेज All receivables of all the MSMEs will be cleared and by the government of India and CPSEs। आपको याद होगा कि through the government e-marketplace, that is GeM platform, the government's public sector enterprises were procuring around 25% of their requirements, you know, from this small scale industries। तो ये बजट के अंदर भी अनाउंसमेंट की गई थी। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी लर्निंग अबाउट दिस। देन ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अप टू ₹200 करोड़। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि हम अपने जो इंटरनल मार्केट है, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए एक बूस्ट इसमें आएगा कि 200 करोड़ तक के जो भी गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट है वो बाहर से नहीं की जाएगी, देश के अंदर से ही की जाएगी। इसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात जो हम बोलते हैं वो यहीं पे आती है। थोड़ी सी इसमें प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी के इश्यूज आ सकते हैं आगे जाके, जो WTO के अंदर जो चैलेंज आएगा इसको लेके, तो वो आ सकता है। लेकिन आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ने उसका ध्यान रखा है, क्योंकि ये जो लिमिटेशन क्रिएट की गई है 200 करोड़ की, दिस विल हेल्प इन कंप्लायंस विद WTO एस्पेक्ट्स ऑल्सो। देन रिलीफ इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सो बेसिकली जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं उनको भी EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, तो वो किस तरह से इसमें वर्कआउट करेंगे। सो लिक्विडिटी रिलीफ टू बी गिवन टू ऑल EPF एस्टेब्लिशमेंट्स। सो गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ EPF कॉन्ट्रीब्यूशन इज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 मंथ्स। बेसिकली EPFO में जो है 12% जो है वो एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता था और 12% एम्प्लॉय को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता था। अब यहाँ पे ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन ही जो है वो गवर्नमेंट है वो कर रही है। तो इसके जरिए करीब 2500 करोड़ की जो रिलीफ है दैट विल बी प्रोवाइडेड एंड अराउंड 70.22 लाख एम्प्लॉयज विल गेट बेनिफिटेड। Then the government will also take up PF from the firms with 100 staff earning less than ₹1500, okay, 15,000। आगे देखते हैं, to provide more take home salaries and also increase cash in hand for employees। तो उसको लेके क्या-क्या चीजें गवर्नमेंट ने की हैं। सो गवर्नमेंट टू टेक अप PF फॉर फर्म्स विद 100 स्टाफ अर्निंग लेस देन ₹1500। बेसिकली इससे पहले जो एम्प्लॉय पे कर रहा था अपना PF वो नहीं पे करेगा, उसकी जगह पे गवर्नमेंट जो है वो PF अपना पे करेगी उसकी जगह पे। देन स्टैट्यूटरी PF कंट्रीब्यूशन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10%। तो जो एम्प्लॉयर है उसके लिए बेसिकली अब उसको सिर्फ 12% की बजाय 10% ही देना है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो 12% ही देते रहेंगे, उनके लिए ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। दिस रिलैक्सेशन ओनली अप्लाइज टू प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसी का जो उन्होंने प्रेजेंटेशन के अंदर शो किया था इमेज, तो वो इमेज भी देख लो। तो बिजनेस कंटिन्यूज टू फेस फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड दे गॉट टू गेट बैक टू वर्क। सो अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पेमेंट ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉयर एंड 12% एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड इन टू EPFO accounts of eligible establishments and this has been extended by 3 more months. Okay, so this has been done. Then this was provided earlier for the salary of March, April and May and now it will be for June, July and August. जैसे मैंने कहा था कि RBI जो है वो सितंबर तक सेट बैठा है अपना ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। This support will be extended by another 3 months to salary months of June, July and August. This will provide liquidity relief to of ₹2500 crore to 3.767 lakh establishments and as many employees. एक जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है या कह लीजिए दुख की खबर है जो भी है,
तो पीयू ने आज जो है ऑफिशियल्स को अपने कॉल बैक कर लिया है. टुडे इटसेल्फ दी इट हैज ओपन. एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब अगस्त से एज पर यूजीसी की जो डायरेक्शंस आई हैं, अगस्त से स्टूडेंट्स आना शुरू होंगे. और जो नया जो उनका साल है, जो एकेडमिक एडमिशंस होनी है, वो सितंबर से आनी शुरू होंगी. सो द स्टूडेंट्स हैव टू रिटर्न टू यूनिवर्सिटी बाय अगस्त एंड द न्यू स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग अप एडमिशंस बाय सितंबर. जस्ट अ स्मॉल थिंग दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू. एज मेरी कुछ कॉलेग से बात हो रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्होंने मुझे आज ही इन्फॉर्मेशन दी है. तो दिस इज द लेटेस्ट दैट हैज हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू योर एकेडमिक्स. एनी हाउ, तो लेट्स गेट बैक टू द कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम. चलिए. सो ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन रिड्यूस्ड फॉर बिजनेसेस एंड वर्कर्स फॉर 3 months. ओके, सो दिस इज द सपोर्ट दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. सो उसी का सिर्फ एक इमेज प्रेजेंटेशन है. वी हैव ऑलरेडी मेड दिस डिस्कशन, तो उनके अंदर आप अपनी ये चीजें जो है हाईलाइट कर सकते हैं. अब एनबीएफसीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? तो ऑलरेडी आरबीआई ने बहुत सारे मेजर्स एनबीएफसीज के लिए लेके आया था कि इनको एक पर्टिकुलर रिलीफ मिले. तो आपको याद होगा कि जो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो पैकेज था वो इनके लिए अनाउंस किया गया था. लेकिन जो एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको ये फंड्स ठीक से अवेलेबल नहीं हो पाए. तो करीब 30,000 करोड़ रुपए का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम हैज बीन अनाउंस. सो इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट्स एंड डेट पेपर्स विल बी फुली गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो बेसिकली होगा क्या, ये जो एनबीएफसीज हैं ये अपने डेट पेपर्स लॉन्च करेंगे और ये डेट पेपर्स के बेसिस पे मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट के थ्रू अपने जो फंड्स हैं वो ले पाएंगे. तो एक तरह से दे आर लाइक डिबेंचर्स. ओके, सो कैपिटल मार्केट के थ्रू ये फंड्स एक्सेस कर पाएंगे और इनकी जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा. तो एक तरह से ये सिक्योर भी होगा. देन गवर्नमेंट अनाउंस्ड अराउंड 45,000 करोड़ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन थ्रू ए पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर एनबीएफसी. सो बेसिकली जैसे एमएसएमई के लिए फुल क्रेडिट गारंटी स्कीम है, वैसे ही यहाँ पे पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है. लेकिन इसकी डिटेल्स अभी गवर्नमेंट ने नहीं दी है. सो लेट दैट डिटेल्स बी कमिंग अप. तो वो किस तरह की पार्शियल गारंटीज हैं, दैट इज येट टू बी सीन. ओके, देन मूविंग ऑन. 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर एनबीएफसी. तो इसमें क्या थोड़ी बहुत ही जो डिटेल्स आई हैं वो उसके साथ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ. सो फर्स्ट 20% लॉस विल बी बोर्न बाय द गारंटर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बस. सेकेंड इज डबल ए पेपर एंड बिलो इंक्लूडिंग अनरेटेड पेपर एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट. या एंड दिस स्कीम विल रिजल्ट इन ₹45,000 करोड़ लिक्विडिटी. सो तीन चीजें हमें सिर्फ इस स्कीम के बारे में पता है, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एनबीएफसी. फर्स्ट इज ओनली 20% गारंटी इज अवेलेबल. सेकेंड डबल ए पेपर एंड बिलो. डबल ए इज द क्रेडिट रेटिंग. अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, सो दिस इज बेसिकली द क्रेडिट रेटिंग दैट इज गिवन टू दीज एनबीएफसी. सो दोज हू हैव डबल ए क्रेडिट रेटिंग और एंड बिलो, दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, सो ओनली टू थिंग्स आर नोन. सो मे बी यूपीएससी आस्क दिस टू थिंग्स ओनली, इट विल नॉट आस्क मोर देन दैट. क्योंकि जितना हमें पता है पब्लिक डोमेन के अंदर है, जो सामान्य ज्ञान का पार्ट है वही यूपीएससी का पूछना बनता है, विशेष ज्ञान पूछना नहीं बनता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन ₹30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. तो इसके अंदर क्या है? सो अंडर दिस स्कीम द इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स. ट्रांजेक्शन इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर ऑफ एनबीएफसी, एचएफसी एंड एमएफआईज. तो यहाँ पे भी डेट पेपर की बात हुई है, कुल मिला के एक डिबेंचर जैसी चीज की बात हुई है. तो वहां पे गवर्नमेंट उसमें गारंटी करेगा डिबेंचर की और ये लोग अपना फ्लोट करके प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू पैसा उठा पाएंगे. देन विल सप्लीमेंट आरबीआई, दिस विल सप्लीमेंट आरबीआई एंड गवर्नमेंट मेजर्स टू ऑगमेंट लिक्विडिटी. तो जो आरबीआई का 50,000 करोड़ रुपए का इससे पहले पैकेज आ रहा था, तो उसके साथ ये बेसिकली एक सप्लीमेंट्री एस्पेक्ट है. दिस इज नॉट यू नो इंक्लूसिव ऑफ दैट. सो 50,000 करोड़ प्लस 30,000 करोड़, यू नो दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑन. प्लस आप अगर पीछे वाली स्लाइड पे देखें तो 45,000 करोड़. हाँ, तो इस तरह से ये जो है पूरा जो फंड है बड़ा ज्यादा फिगर्स बनती चली जा रही है. आप देखते हैं कि ये आता कितना है और किसके पास आता है. ठीक है, चलिए. फॉर कैश डेस्परेट डिस्कॉम्स. अब बहुत सारे लोगों ने जो है बिजली का बिल नहीं भरा होगा पिछले 3 महीने के अंदर. लॉकडाउन के चलते आपका घर से निकलना बनता भी नहीं है,
that is basically reflecting poorly with respect to the cash in the hands of the power distribution companies. तो जैसे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है या इस तरह की जो कंपनीज हैं उनमें बहुत इश्यूज आ रहे हैं. सो देयरफॉर देयर इज अ इमरजेंसी लिक्विडिटी इंजेक्शन ऑफ रुपीज 90,000 करोड़ व्हिच इज बीइंग मेड अगेंस्ट द रिसीवेबल्स और गारंटीज फॉर व्हिच विल बी गिवन बाय द स्टेट्स एंड दिस इज वन टाइम लिक्विडिटी इन्फ्यूजन. तो कुल मिला के जो बिल उनके रहने या बकाए जो रहने बाकी हैं वहां से जो पैसा आना है उसके अगेंस्ट ये लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की जा रही है. तो वो अपना पैसा ले पाएंगे और अपना काम चालू रख पाएंगे. तो एक तरह से बैकएंड पे उनके लिए एक फंड जनरेट हो जाएगा. So let's say they have a receivable of a single PSPCL, जैसी अगर एक बॉडी की बात करें तो अगर उसके पास 1000 करोड़ रुपए का रिसीवेबल है तो इसके अगेंस्ट वो 1000 करोड़ रुपए का फंड जो है वो यहाँ से ले पाएगा. ठीक है ना, तो वो अपने फंड से वो काम चला लेगा और जब जैसे जैसे ये रिसीवेबल्स आते जाएंगे इसको रिफाइनेंस कर देगा. So this is how it is going to be operational. Okay. देन फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, तो गवर्नमेंट के जितने भी ठेकेदार हैं उनके लिए एक गुड न्यूज है. तो 6 month extension has been given to contractors in all government agencies, okay? And no cost extension of up to 6 months for government contractors to comply with the contract condition constructions such as work, goods and services contracts or completion of works. Basically, ये सारे time bound contracts होते हैं कि इतनी देर तक अगर आपने deliver नहीं किया तो आपको कोई penalties लगेंगी. लेकिन अब जो है वो टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट जो है उनमें एक रिलैक्सेशन दी गई है, दैट इज बाय 6 months. ओके, सो ये 6 months तो खैर दे ही दी गई है, बाकी अब इसमें जो लिटिगेशन इन्वॉल्व हो जाएगी आगे जाके अगर हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इतने आई नो दूध के दुले तो नहीं होते सारे के सारे, तो जो लिटिगेशन है उसमें भी टाइम लाइन जो है वो एक्सटेंड होने के चांस बनेंगे. अभी तो गवर्नमेंट की ये प्रोजेक्शन है कि 6 months विल बी सफिशिएंट, आगे जाके ये बढ़ाई भी जा सकती है, बढ़ानी पड़ सकती है. ठीक है, चले और आगे देखते हैं. रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे कि मैंने अभी बात की तो ये उसी का इमेज है जो प्रेजेंटेशन के अंदर यूज किया गया था, तो आई हैव गिवन इट. ओके, एंड सी एक जो एक्स्ट्रा मेजर है दैट इज गवर्नमेंट एजेंसीज टू पार्शियली रिलीज बैंक गारंटीज टू द एक्सटेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर पार्शियली कंप्लीटेड टू ईज कैश फ्लो. बेसिकली होता क्या है, अगर लेट्स से आप गवर्नमेंट के पास 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें से करीब करीब आप 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ऑलरेडी या 70% ऑफ द प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं कंप्लीट, तो ये जो 70 लाख रुपए की बैंक गारंटी जो है आपकी, दिस विल गेट रिलीज्ड एंड बेस्ड ऑन दिस यू कैन गो फॉर अदर कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, ये आपका पैसा जो है फ्री हो जाता है एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स यू कैन स्टार्ट बिडिंग फॉर. सो दिस इज बेसिकली द थिंग दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी अवेलेबल विद द contractor. So it is again a part and parcel of the liquidity injection. Okay, chale aage dekhte hain. For real estate, so COVID period should be treated as a force majeure, that is an act of God, and therefore this real estate companies have been given relaxed timelines. Now registration and completion dates should be extended suo moto, matlab real estate developer agar chahe to badha sakta hai, by 6 months for all registered projects expiring on or after 25th March 2020 without individual applications. So, मतलब आपके जो आपने let's say कोई property किसी से खरीदी थी अगर, तो अगर आपको 25 मार्च 2020 या उसके बाद उसकी delivery अगर मिलनी थी, तो ये हमारे lockdown की date के हिसाब से इसको set किया गया है, तो उसको जो developer है कम से कम 6 महीने के लिए extend कर सकता है, plus 6 months कर सकता है अपनी तरफ से. अब आपको याद होगा कि रेरा के अंदर भी अगर लिटिगेशन में जाएं तो 6 महीने तो वहीं मिल जाते थे, और ये 6 महीने वहां जुड़ जाएंगे, तो एक तरह से 1 साल का ऑलमोस्ट उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी आपका प्रोडक्ट डिलीवर करने में. चलिए आगे देखते हैं. नाउ इसकी कुछ नेटिग्रिटीज हैं जो हमने अभी डिस्कस किया. इन्होंने कहा है दैट रेगुलेटरी अथॉरिटीज मे एक्सटेंड दिस फॉर अनदर पीरियड ऑफ 3 months इफ नीडेड, क्योंकि उनको पता है कि लेबर तो भाग गई तो लिटिगेशन में जाके ये बढ़ सकता है. तो देखिए 6 months प्लस 3 months तो यही आ गया. Then issue of fresh project registration certificates automatically within the revised timelines and extend timeliness of various statutory compliance under RERA concurrently. तो 9 महीने का इनको यहाँ पे भी relaxation मिल जाएगा compliance से deal करने के लिए. चले आगे देखते हैं. On the tax front, what all has been done by the government? So all pending refunds will be processed immediately. ये एक अच्छी खबर है हमारी सारी कंपनीज के लिए, क्योंकि उनके पास यहाँ से भी जो लिक्विडिटी है
वो वापस आ जाएगी एंड दे कैन स्टार्ट देयर वर्क. एंड ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 31st of July टू November 30th. तो हम आमतौर पे अपनी जो ITR है वो 31st जुलाई तक भरते थे, अब वो ड्यू डेट बढ़ा दी गई है. आमतौर पे गवर्नमेंट पहले ही बढ़ा देता था, तो यहाँ पे वो अब पहले ही बताते हैं उन्होंने कि भाई 30 नवंबर तक है, ठीक है ना. तो देन विवाद से विश्वास स्कीम, ये जो हमारे बजट के अंदर लॉन्च की गई थी, इसकी एक डेट रखी गई थी तो वो एक्सटेंड हो गई है. नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 31st of December 2020 एंड द डेट ऑफ असेसमेंट गेटिंग बार्ड एज ऑन September 30th 2020 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st December 2020. सो बेसिकली इसके अंदर जो असेसमेंट बार होनी थी ये 30 सितंबर तक की डेट थी, अब वो बढ़ा दी गई है. देन डेट ऑफ असेसमेंट गेटिंग बार्ड एज ऑन 31st मार्च 2021 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30th मार्च 2021. तो अलग अलग डेट्स जो हैं वो बढ़ाई गई हैं आपकी टैक्स कंप्लायंस के लिए, ठीक है. एक थोड़ा सा जो गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छी बात कर सकती थी आम जनता के लिए, वो ये कर सकती थी कि भाई तुम्हें अपनी ITR डालने की जो रिफंड जो है वो तुम अभी से भी डालने शुरू कर सकते हो, जो तुम रिटर्न्स जो है अपनी अभी से डालनी शुरू कर सकते हो, ताकि जिन लोगों ने अब लेट्स से वन हु हैज अ सैलरी ऑफ 1 लाख रुपी एंड दे आर गेटिंग 10% TDS इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम देम, सो बाय नाउ अगर 31 मार्च तक देखें तो उनके पास अगर TDS की कैलकुलेशंस आप करोगे तो 1,20,000 रुपए के आसपास का TDS उनका जो है वो गवर्नमेंट के पास जमा है. इसमें अगर उनकी टैक्स कंप्लायंस भी ऑन एन एवरेज करने के बाद जो टैक्स उन्होंने फिल करना है, तो अगर उनके पास 70 से 80 हजार रुपए का जो टैक्स रिफंड जनरेट हो पाए तो अभी ये हेल्प जो मिलेगी उनको, दिस विल बी वेरी गुड फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू गेट देयर सैलरीज इन ऑर्डर. और गवर्नमेंट की इतनी बेअक्ली है इस चीजों को लेके, आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. अब आप देखते जाइएगा जरा. सो ₹50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू TDS एंड TCS रेट रिडक्शंस. अब देखिए गवर्नमेंट ने किया क्या है, बेसिकली 25% जो है वो आपका, अगर आप प्रोफेशनल फी या नॉन सैलरीड आपको कोई भी पे आउट आते हैं तो वो अगर आ रहे हैं, तो आपका जो TDS कट के आता था अब वो 25% कम हो जाएगा. सो हमारे जो सेक्शन 197J के अंदर जो प्रोफेशनल फी के थ्रू जो जाती है, तो उसमें 10% के आसपास का TDS कटता है. अब 10% जो TDS डिडक्शन होती है, अब ये कितना हो जाएगा, अब ये 7.5% होगा. तो जो बंदा 1 लाख रुपए का पे आउट ले रहा था, अब उसको फर्क क्या पड़ेगा, उसको 2,500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा. दिस विल स्टार्ट हैपनिंग, ठीक है. तो इससे कितना फर्क पड़ेगा अब आप देख लीजिए. देन पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल फी इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड्स कमीशन ब्रोकरेज शैल बी एलिजिबल फॉर दिस रिड्यूस रेट ऑफ TDS. तो बेसिकली जो लोग इस तरह से पेमेंट्स कर रहे थे, तो उनको ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी इंजेक्शन जो है वो भी मिल जाएगा. दिस इज व्हाट इज बीन टॉक्ड अबाउट. खैर नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज, हमारे यहाँ पे जो बहुत सारी कंपनीज जो हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने की जो सैलरीज हैं ये अपने स्टाफ की जो है वो रोक के रखी हुई हैं. अब गवर्नमेंट के पास जो केस सिनेरियो वो ये है, द थिंग दैट द गवर्नमेंट मस्ट डू, बिकॉज ये 4 पिलर्स की बात कर रहे थे, लैंड, लेबर या देन लॉ. यस, तो इस तरह की ये बात करते हैं. तो लॉ के लेवल पे जो अब बात करने की बात है वो ये कि गवर्नमेंट के पास जब TDS आ रहा होता है इन सबके पास से, तो ये बहुत उसको लेके कॉन्शियस रहते हैं, है ना. लेकिन जब TDS आ गया गवर्नमेंट के पास, तो एक तरफा तो नहीं है ये ट्रेन, अब दूसरी तरफ सैलरी भी आनी चाहिए. अब बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं कि TDS तो जमा करा रही हैं लेकिन सैलरीज क्रेडिट नहीं कर रही. तो मार्च में जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था, भाई आप सैलरीज नहीं रोकेंगे, आप अपने जो स्टाफ है उनकी सैलरीज टाइमली देंगे, अब उसमें क्योंकि गवर्नमेंट के पास TDS आ गया, तो इन्होंने शांति रख ली अपने पास से, और ये दिखा नहीं कि इधर से सैलरीज भी जा रही हैं या नहीं जा रही हैं. तो जिन कंपनीज ने TDS टाइमली जमा करा दिया, गवर्नमेंट इज नॉट आस्किंग द मेनी क्वेश्चंस. तो लॉ के लेवल पे ये जो एक डिस्कनेक्ट है इन दोनों चैनल्स के बीच में, ये डिस्कनेक्ट दूर करने की जरूरत है. इससे बेसिकली द गवर्नमेंट विल बी ऑटोमेटिकली एबल टू चेक द लैप्सेस इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस सिस्टम, बिकॉज दिस क्रिएट्स एन अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस एनवायरमेंट इन इंडिया डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप इट ऑर्गेनाइज्ड. यस, सो ये जो एरिया है कंप्लायंस, ये भी होनी चाहिए, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सो
these were all the areas that were given on in today's finance semester speech. So part one जो है वो हमने आज cover किया है. ज्यादातर इस part one के अंदर micro, small और medium enterprises की बात की गई थी और MSMEs के साथ साथ जो tax और contractors के लिए कुछ बात की गई, real estate के लिए कुछ बात की गई, लेकिन focus जो है वो MSME पे रहा. अब आगे आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे पार्ट टू के अंदर ये लोग कुछ नई गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट्स होंगी उनके ऊपर भी हम इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड सो दैट यू गेट द अलर्ट्स फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम अभिमन्यु टीम. ओके, सो स्टे होम एंड स्टडी सेफ. इफ यू हैव एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू टुडेज प्रेजेंटेशन और यू वांट टू डिस्कस एंड शेयर योर ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट्स COVID-19 economic package, so you can share it with me at my email ID abhishek@abhimanyu.com. For all the latest updates with respect to UPSC, you can visit my Telegram channel and you can subscribe to that. Okay, thank you so much for being a part and parcel of this video series, and thank you for making it successful. Share it with your friends. For any kind of doubts, make sure you write into me. This is me, Abhishek Sharma, signing off.